तुमसर रोड स्टेशन पर हादसा, ट्रेन में चढ़ते एक यात्री गिरा नीचे, गंभीर घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर भंडारा से सामने आ रही है। घटना तुमसर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुई, जहां ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल यात्री का नाम रमेश श्रीवास, वह 52 वर्ष बताई जा रही है। गनीमत रहे कि वह ट्रेन के नीचे नहीं आया। मिली जानकारी के अनुसार घायल यात्री तुमसर रोड स्टेशन से भंडारा रोड जाने के लिए आ रहा था। इसी दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक टाटा पैसेंजर ट्रेन आ गई। ट्रेन में चढ़ते समय रमेश का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। गनीमत यह रहे कि रेल की पटरी के नीचे नहीं आने के कारण वे बाल बाल बच गए, लेकिन उनके दाहिने हाथ और शरीर पर गंभीर चोटें आई है। रेलवे कर्मचारी तुरंत उसे बाहर निकालने के लिए दौड़े और स्थानीय रेलवे अस्पताल में भर्ती कराए। यह प्राथमिक उपचार किया गया और इसे इलाज के लिए तुमसर ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे इलाज के लिए नागपुर रेफर कर दिया गया है। तुमसर रोड रेल प्रबंधक ने अपील की है कि यात्री सुरक्षित यात्रा करें और यात्रा के दौरान ट्रेन में चढ़ते समय एक दूसरे का सहयोग करें। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सामने आया पीएमओ के फर्जी अफसर किरण पटेल का एक और मामला, पति पत्नी के खिलाफ केस दर्ज। प्रधानमंत्री कार्यालय का अफसर बनकर जम्मू कश्मीर में घूमने वाले किरण पटेल के खिलाफ नया मामला सामने आया है। आरोप है कि अहमदाबाद के पौश इलाके में उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति की कोठी पर कब्जा जमा लिया है। पीड़ित दंपत्ति की शिकायत पर अहमदाबाद पुलिस ने किरण पटेल और उसकी पत्नी मालिनी के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित बुजुर्ग जगदीश चावड़ा ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि यह ठगी कोठी की रिनोवेशन के नाम पर की गई है। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। आश्चर्य की बात यह है कि पीड़ित बुजुर्ग ने पुलिस को पिछले साल ही शिकायत दी थी, लेकिन उस समय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वही जब आरोपी जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार हो गया, तो अहमदाबाद पुलिस ने इस शिकायत से धूल झाड़ते हुए नया केस दर्ज किया है। पीड़ित बुजुर्ग ने बताया कि उनकी शिलाज एरिया में उनकी अपनी कोठी है और ये वह इसे बेचना चाहते थे। इसी बीच फरवरी 2022 में आरोपी किरण पटेल खुद को रियल एस्टेट एजेंट बनकर उनके संपर्क में आया। उसने सलाह दी कि बेचने से पहले इसका रिनोवेशन करना होगा। उसने भरोसा दिया कि यह कोठी प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात एक वरिष्ठ आईएएस अफसर खरीदना चाहते हैं। इस प्रकार आरोपी ने रिनोवेशन के नाम पर भी उनसे 35 लाख रुपए लिए, लेकिन इस दौरान आरोपी ने उन्हें भरोसे में लेकर उनकी कोठी के दस्तावेजों में हेर फेर कर कब्जा कर लिया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने कोर्ट में सिविल सूट दाखिल किया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, अमानत में खयानत के अलावा आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसी के साथ आरोपी के खिलाफ सरकारी अफसर के नाम पर गुमराह करने का भी मामला दर्ज किया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर चैतन्य मांडलिक ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ इसी तरह के 4 अन्य मामले पहले से दर्ज है। फिलहाल वह जेल में है, लेकिन जल्द ही गुजरात पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर गुजरात लाकर पूछताछ करेगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक साथ फंदे पर लटकी दो बहनें, चौंकाने वाली है वजह। पंजाब के अमृतसर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां दो बहनों ने घर के भीतर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना लॉरेंस रोड पर स्थित न्यू गार्डन एवेन्यू की है। मृत बहनों की पहचान ज्योति कपूर और सीमा कपूर के तौर पर हुई है। घर वालों ने बताया कि शुक्रवार को खाना खाकर दोनों बहनें कमरे में चली गई। काफी देर तक जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो घर वालों को शक हुआ। उन्होंने पड़ोसियों की सहायता से दरवाजा तोड़ा तो देखा कि दोनों बहनों की लाश पंखे से लटक रही थी। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है। वही शव के पास पुलिस को एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। सुसाइड नोट में लिखा है, हमारी माँ बहुत वक्त से बीमार है, इसे लेकर हम बहुत दुखी हैं। उन्हें इस हालत में देखा नहीं जाता,
उधर घर वालों ने बताया कि दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी, वह माँ एवं भाई के साथ रहती थी। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात आरंभ कर दी है। सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया में मामला खुदकुशी का लग रहा है, फिर भी हर एंगल से जांच की जा रही है। इससे पहले फिरोजपुर में सेना के एक अफसर ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करके बाद खुदकुशी कर ली थी। मृतक अफसर की पहचान फिरोजपुर कैंट के स्टेशन हाउस अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल निशांत और उनकी पत्नी डिंपल के तौर पर हुई थी। दोनों अपने आवास में मृत पाए गए थे। मिल रही खबर के अनुसार दंपत्ति वैवाहिक कलह से गुजर रहा था। शव के पास सुसाइड नोट भी मिला जिसमें ये बात लिखी हुई थी। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।